मैं उसी गुंजन राठौर का स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ईएलएसएस फंड के बारे में। हम समझेंगे कि आखिर ईएलएसएस होता क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसमें कितना लॉकिंग पीरियड होता है एंड साथ ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। हम कंपेरिजन करेंगे इसका दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो इसीलिए आप बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगी डेली वीडियोस इन सब टॉपिक्स पे। तो चलो अब हम समझते हैं कि आखिर ईएलएसएस क्या होता है। तो ईएलएसएस का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। मैंने इन दोनों पे ही वीडियो करी हुई है जहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है डेट म्यूचुअल फंड में और क्या फीचर्स होते हैं इक्विटी के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ईएलएसएस होता है ना वो इक्विटी वाली कैटेगरी के अंडर आता है, मतलब कि जो इसकी फीचर्स है वो इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड है उसके ही फीचर्स से सेम होते हैं। तो जैसा कि इसका नाम ही है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो एक ऐसा तरीका का इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि आपको टैक्स सेविंग करने में हेल्प करता है। आप इसका डिडक्शन जो है वो एटीसी के अंदर ले सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एटीसी के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख का ही डिडक्शन लिया जा सकता है। तो आप चाहें तो आप जो है इसके अंदर अपना पैसा निवेश करके आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो चलिए हमने जाना कि क्या होता है ईएलएसएस और आप इससे जो है वो कितना अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। अब बात करें हम इसके लॉकिंग पीरियड की, तो इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो मिनिमम 3 इयर्स का होता है। मैक्सिमम तो वो होते हैं, बहुत सारे ईएलएसएस जो होते हैं उनमें ज़्यादा पीरियड भी देखने को मिल सकता है, मगर मिनिमम इसमें आपको 3 साल का जो लॉकिंग पीरियड है वो देखने को मिलेगा। तो बात करें कि अब अगर आप, जैसे आप जानते हैं कि एसआईपी में भी बहुत सारे जो लोग होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर ना वो एसआईपी लगा देते हैं। अब सपोज जैसे कि आज अगर मैंने लमसम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें तो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे सपोज आज अगर मई चल रहा है, मैं डेट ले लेती हूँ 31 मई को, मेरा जो लमसम मैंने सपोज कोई ईएलएसएस फंड है उसमें मैंने 31 मई 2022 में निवेश किया और उसका लॉकिंग पीरियड जो है वो अब है 3 इयर्स का, तो 2025 का जो 31 मई है वहां तक का जो मेरा लॉकिंग पीरियड है वो रहेगा। लॉकिंग पीरियड मतलब सिंपल सा होता है कि आप ना इतने पीरियड के लिए उस जो फंड है वहां से आप अपना जो पैसा है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप जो अपना पैसा है आपको 3 साल तो रखना ही है, वो लॉकिंग पीरियड होता है। तो अब सपोज ये लमसम की बात हो गई कि आज से आने वाले जो भी डेट है उससे आने वाले अगले 3 साल तक आप जो है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, मगर अब आप बोलोगे कि हमने लमसम भी नहीं किया है, हमने है ना एसआईपी वगैरह करवाई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी का फीचर भी तो होता है, तो हम जो है हम हर महीने इंस्टॉलमेंट देने वाले। तो अब लॉकिंग पीरियड कैसे डिसाइड करें, तो देखो इसमें क्या होता है पर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो उसका लॉकिंग पीरियड है वो डिसाइड होता है। सपोज आपने मई की इंस्टॉलमेंट दी है तो मई से जो मई 2022 से मई 2025 तक जो है उस इंस्टॉलमेंट का लॉकिंग पीरियड हो गया। अब आप दे रहे हो अगली इंस्टॉलमेंट जून 22 में, ठीक है, तो जून 22 से जून 25 तक, मतलब कि जून से अगले जो 3 साल है वहाँ से उसका जो इंस्टॉलमेंट पीरियड है वो डिसाइड हो गया और इसी तरीके से हर महीने चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कि एसआईपी में जो आपका लॉकिंग पीरियड है वो किस तरीके से होता है, ये हमने जाना। ईएलएसएस क्या होता है, ईएलएसएस से आप कितना सारा टैक्स सेव कर सकते हो और साथ ही इसका लॉकिंग पीरियड के बारे में। अब बात करें कि किस कैटेगरी के अंदर आता है, देखो 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड उसके बाद जो होता है स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये है ना, ये किसी भी, ना तो ये लार्ज कैप से बिलोंग करता है ना तो ये किसी स्मॉल कैप वगैरह से, ये जो है ये फ्लैक्सी कैप फंड है। फ्लैक्सी कैप क्या होता है, फ्लैक्सी कैप मतलब कि उसके जो फंड मैनेजर है उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो अपने हिसाब से ना किसी भी स्मॉल कैप कंपनी या लार्ज कैप में या मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्योंकि जो लार्ज कैप फंड है, आपने बहुत सारे लार्ज कैप फंड देखे होंगे, तो उनमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो अपना जो निवेश है वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज जो है वो वही कर सकते हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप फंड देखे होंगे तो उनके पास भी ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो जो आपका मनी है ना वो बस स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगा सकते हैं, मगर जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं उनके पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये एक वजह है कि क्यों
PLSS जो है आपको वो अच्छा बेहतर रिटर्न भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो ऑब्वियसली बात है कि तो जो फंड मैनेजर है वो अपना रिसर्च करके ऐसी ही कंपनीज में पैसा लगाएगा जहां से उसको बेहतरीन रिटर्न जो है वो प्राप्त हो सके, क्योंकि उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे में वो अच्छी अच्छी जो कंपनीज है, भले वो कोई सी भी कैप से बिलोंग करती हो, वो पोर्टफोलियो उसका बना सकता है। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से ELSS आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब बात करें कि आप सोचेंगे कि बहुत सारे जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और भी तो होते हैं, फिर हमें क्यों ELSS में जाना चाहिए? तो जो बाकी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो ब्लॉकिंग पीरियड होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू ELSS। जैसे कि टैक्स सेविंग अगर FD की बात कर ले तो उनमें मिनिमम 5 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर PPF वगैरह की बात करें तो उसमें 15 साल का जो है वो लॉकिंग पीरियड होता है। तो इसीलिए अगर आपको जो अपना पैसा है वो ज्यादा टाइम के लिए कहीं ब्लॉक नहीं करना है, तो इसीलिए ELSS जो है वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी ELSS के बारे में। आशा करती हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपको काफी यूजफुल लगी होगी ये जानकारी। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे आने वाली इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस के लिए। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी की अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक CA हो, स्टॉक ब्रोकर हो, LIC एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्थी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, टाइमली पेआउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे आपको मिलेगा 1000 रुपीज का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।